दिखाते हैं सच, दिखाते हैं सच, क्योंकि हम हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। धारवाड शहरातील वार्ड नंबर 17 मध्ये मागील 11 महिन्यापासून नळ येत नाही, नाल्या साफ होत नाही, तक्रार देऊनही नगर परिषद लक्ष देत नाही। एवढेच नाही तर नगर परिषदची नवीन बनलेली टाकी जात आहे भरून। यावरून जाणून घेऊया वार्ड नंबर 17 मधील जनतेचे दुःख। मेरा नाम आहे चेकईम चेकयू, वार्ड नंबर 17 मेरे थे। और कमेटी आलो ने भूंगा घुमाए थे नल के बारे में कि यहाँ रोड बनना चालू था, और रोड बनना चालू होने के बाद में गरीब लोगों के यहाँ पर गरीब लोग हैं सब, और ब्याज भट्टे से पैसा लाया हम लोगों ने और नल लिए, और नल लेने के बाद में आज 11 महीने हो गए नल कुछ आ नहीं रहे हमारे वार्ड नंबर 17 के, और गरीब तबके के लोग हैं हम, और वहाँ जा जा के थक गए हम, अर्जी अर्जी ये सब करे संजय राठौर को भी दी अर्जी, और नल कुछ चालू हो नहीं रहे हमारे यहाँ के, और हम कम से कम 11 साल से पानी मोल लेके पी रहे हैं स्टेशन पर वार्ड नंबर 17 में। कनेक्शन लेने कितना टाइम हुआ? 11 महीने हो गए, 12 महीना लग गया। 12 महीना लग गया? हाँ। कल कनेक्शन लेने का किसने बोला था तुम्हारे को? तुम खुद गए थे के लेने? खुद नहीं, उन्होंने अनाउंस कर रहे थे। हाँ, क्या बोले थे? क्या नल ले लो, रोड बनना चालू है, नल चालू होने वाले, नई टाकी बन गई और तुम नल ले लो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले थे, जैसा तुमको रोड फोड़ेंगे तो बोले पैसा ज्यादा लगेगा बोले। हाँ, तो गरीब हाँ गरीब लोग हैं यहाँ पर, सब ब्याज भट्टी से पैसा लाया कि नहीं, कहाँ से लाया कि नहीं, किससे उधार करा, और नल कुछ आ नहीं रहे। हाँ, टैक्स भर दिए, सब कर दिए। हाँ, रोड घर का भी टैक्स भरने लगा है इन्होंने, नल का भी 3000 रुपए भरे नल के। हाँ, अब क्या तकलीफ है? बस पानी की तकलीफ है हमको। पानी कहाँ से लाते फिर? पानी हम 11 साल से मोल लेके फिर 100 रुपए की टाके लेते हफ्ते में एक बार। हाँ हाँ, नहीं कुआ वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुआ भी नहीं, हफ्ती भी नहीं, नल नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। हमारे वार्ड नंबर 17 में एक भी हफ्ती नहीं है। वार्ड मेंबर ने क्या किया? वार्ड मेंबर ने बस खाया गोबर करा, बस क्या करने वाला वार्ड मेंबर? हाँ, कोई काम नहीं करता कोई मेंबर, सबसे शिकायत करके बैठे, कोई मानने को तैयार नहीं। हाँ, बोले कुछ भी, वो बोले हम देखते बोले चालू करते, अभी तक कुछ चालू, दो महीने पहले तो बोले उन्होंने, दो महीने के 3 महीने से बोलते आ रहे उनको, बाकी वो कुछ चालू कर नहीं रहे नहीं। और लेडीज लोग भी गए वहाँ पर गट्टा गट्टा गए, बाकी वो लोगों ने लेडीज लोगों को भी टरका के लगा दी। और जब हम कल कर देते, हम जाओ परसों कर देते। मैं जुबेर कुरैशी धारवा रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 17 से बोल रहा हूँ। क्या हमें को अर्जेंट 10,000 रुपये की पावती फाड़ना पड़ा नलपुर के वास्ते, ये रोड का कामधाम चालू था, जब मेरे को अलॉटमेंट पर बोला गया कि पुराने नल बंद होने वाले नए नल चालू होना है, अभी तक के टाकी का काम हो गया, पानी कुछ मिला नहीं, कम से कम 11 महीने हो गए। मैं रोज खुद मेरी घाटों से मैं पानी की टाकी लाता हूँ, 50 रुपये का मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, फिर यहाँ खा भरता हूँ घर पे, और समझो मैं घर पे नहीं रहा तो मेरे घर से 120 रुपये की टाकी लेना पड़ता मेरे को हफ्ते में 2 दिन। इसके वास्ते हमारे को कोई सुविधा नहीं है वार्ड नंबर 17 से, हर गाँव पूरे गांव में धारवाई के नल चालू है, सिर्फ वार्ड नंबर 17 के नल चालू नहीं है, ना पुराने नल आ रहे ना जूने नल आ रहे, ना अभी कोई पुराना नल आता था वही भी बन होगा, जूना नल भी बने, कोई पानी आ रही नहीं किधर से नहीं, यहाँ देखो लाइट भी बने, कोई सुविधा नहीं है, ना मेंबर की सुविधा है, ना संजय अभी हॉल बन रहा था वहाँ पे हमने कंप्लेंट दी है संजय बोर आटो को, वो हॉल में सुविधा में बोले क्या ठीक है हम कर देंगे बोले, अभी तक के कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, और नाले में हमारे कोई काम नहीं है, कर्मचारी कोई आके देखता नहीं, हम ही खुद उपवास थे नाले, हम ही खुद हमारे बच्चे बीमार हो रहे, अभी थोड़े दूर जाएंगे हम यहाँ से और लेके आएंगे तो समझो पूरे नाले भरे होंगे, कोई सुविधा नहीं है। इसकी हमारी मांग है कि हमको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करें। कचरा गाड़ी आती है ना इधर? कचरा गाड़ी आती है एक बार, सामान लेके जाती, बस सामान लेके जाती सुबह में वाकई सुबह रोज आती है। कचरा गाड़ी में 1 मिनट टाइम नहीं होना, रुकते निकल जाते, 1 मिनट जैसा एक चौक पे तो 2 मिनट तो रुकना चाहिए, रुकती नहीं सिर्फ चलती रहती है, घर में आवाज आया तो ठीक है, नीचे किसका घर ऊपर है कोई नीचे से आता है, कचरा गाड़ी है तो चलते रहते हैं, कचरा लेकर आता गाड़ी गाड़ी निकल जाती है। हाँ, गाड़ी निकल जाती है ऊपर से, कोई कोई डबल माले पे कोई तल्ले घर के बाहर निकले तो निकल जाती है, वो फिर रिटर्न आएगी उसकी गारंटी नहीं है, नहीं तो हमको कहीं वैसे ही कचरा रह जाता, कम से कम 2-2 दिन पहले रहता कचरा।
आपको जो नल कनेक्शन है तो ये आपके एरिया में जो टाइकी बनी है उससे है क्या कनेक्शन? हाँ उससे कनेक्शन है, जो नई टाइकी है, नई टाइकी। तो नई टाइकी चालू नहीं करेगी? नहीं सर, सबकी चालू है, चालू है। हमारे यहाँ की चौकों पे समझो, हाँ वार्ड नंबर चौकों पे कैसे वो बोले मीटर खराब होगा, बोले वो कॉक वो राठौर साहब ने उसका काम अब तक करे नहीं। दो तीन बार हमारे घर मोहल्ले की लेडीज भी गई थी तो बोले ठीक है, बोले हम कल कर देंगे, बोले कल बोले तो आप कम से कम 15-20 दिन हो गए अभी तक तो कोई आके नहीं देखा। एक सेकंड रेडी हाँ स्टार्ट। शशीर का बाबा का कृषि में धारवा वार्ड नंबर 17। मैं बोल रहा हूँ पानी के वास्ते हमने इतने पैसे भरे, 4-5 हज़ार रुपये एक साल होगा 6 महीने। आप वहाँ से बोलने को जा रहे हैं तो बोल रहे कि वो ठेकेदार को हम करण जाने को बुलाते हैं। जब ठेकेदार आया है क्या करण जो वाला तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ पैसे मिला नहीं, मैं तुमको अभी पानी होता नहीं, अभी मैं देखूंगा, अभी मेरे पास कोई कुछ नहीं है तो इनका बिल निकालेंगे। तुम तो हमको पानी की बहुत तकलीफ जा रही है, अब कब तक सहना हमने करनी है तकलीफ है? ये बोलो तो मैं यहाँ पर जा रहे तो हम कमेटी में जा रहे, लेडीज भी जा रही हमारे यहाँ की, तो ये बोल रहे कि पानी हम तो आते आते करके हाँसी पर उड़ा के हमको आकार दे रहे, तब इसका करना क्या करना हमने बताओ। ये अपनी हमको ये रमज़ान में तकलीफ रहेगी पानी की, अब ये रमज़ान में कहाँ से लाना हमने पानी, पियो का पानी पीने से बीमार गिरे बच्चे हमारे, हमारे बच्चे बीमार गिरे गिरे, या किसी का पी रहे उसका पी रहे तो वो भी पानी मिलने रहे हैं, हम लोग देने रहे तो तुम्हारा का इनका काम हमको पानी होना रमज़ान के पहले। आज हम रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 17 यहाँ पे लोगों की समस्या जानने के लिए आए हैं, जिनको नगर परिषद ने खुद कहा था ऐलान करके, और इनको जो पानी परोठा के वर्कर है अधिकारी है इन्होंने भी आके इनसे कहा था कि भाई रोड का काम शुरू है, सीमेंट का रोड बन रहा है, इसलिए सीमेंट का रोड बन जाने के बाद में अगर आप नल लेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, रोड फोड़ने का पैसा अलग लगेगा और कनेक्शन का पैसा अलग लगेगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी सुविधा के लिए कि भाई आप रोड बनने से पहले पहले कनेक्शन ले लें। तो हर एक नागरिक ने इसमें वार्ड के किसी ने 33,000 भरा, किसी ने 37,000 भरा, इस तरह से किसी ने 2,000 भरा, किसी ने 1,000 रुपये भरा, इन्होंने गरीब लोगों ने इधर उधर से पैसा ला के नल के लिए कि पानी का परोठा हमको मिल जाए, वक्त पर पानी मिले, साफ पानी मिले, इसलिए उन्होंने पैसा भरा। तो उसको आज करीबन एक साल के ऊपर होते आ रहा है, लेकिन आज तक के नगर परिषद ने इनको पानी एक थेम भी नहीं पुराया, यहाँ तक के टैंकर का भी सुविधा नहीं किया। यहाँ पे एक टाकी बनी है जिसमें रेलवे स्टेशन पर उसमें पानी का साटा हो रहा है, लेकिन जिस एरिया में नया कनेक्शन दिए गए हैं उन लोगों को आज तक के एक थेम का भी परोठा नहीं किया गया। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की लेडीज से कि इनको पानी की वजह से क्या तकलीफ है और पानी क्यों नहीं मिल रहा है, तो और कहाँ कहाँ गए थे। तो आपका नाम क्या है बताएंगे? शहनाज बी रसूल। कहाँ रहते हैं आप? 17 वार्ड, वार्ड नंबर 17 में रहते हैं। हाँ। तो आपने नल कनेक्शन लिया? हाँ। कितना रुपया भरा था? 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार रुपये भरा था। किसने कहा था आपको कि नल कनेक्शन ले लो करके? कमेटी वालों ने। कमेटी में से कौन आया था आप पहचानते उनको? राठौड़ साहब। आप बता सकते हो कुछ इसके बारे में? हाँ यही है, पानी की तकलीफ है हमारे ऊपर, क्या है जा के हमने कभी कमेटी देखे भी नहीं, फिर भी चले गए वहाँ से, घर में से निकल कर फिर भी पानी गए, वहाँ बोल रहे तो वहाँ हंसी पर ले रहे, बात कोई सुनवाई नहीं है, अर्जी भी कर रहे हमने। हंस रहे आपकी बात? हाँ। नहीं सीरियसली सुन रहा नहीं? नहीं नहीं नहीं, बस आ जाते कल आते ऐसा बोल के और चले जा रहे। तो आपने वहाँ पैसा भरा था? हाँ। बताया फिर भी आपको कनेक्शन दे रहे नहीं? नहीं। पानी परोठा कर रहे नहीं? नहीं, हम अभी भी मोल ले रहे पानी। वजह नहीं बताया कि उन्होंने पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? वो बोलते हम कारंजा लोग बुलाएंगे करेंगे, मगर अभी तक तो कोई नहीं आया, रमजान आ गए आगे, अब पानी का तो बहुत जरूरत है। कौन होते हैं अब क्या मालूम, कौन है ठेकेदार है की कौन है? ऐसा बताया की हमको पैसे मिले नहीं, हम अर्जा भी करके थक गए ना, अर्जी कर राठौर साहब के पास में गए थे तो बोले 10 महीने हो गए, बोले अभी तक तुमको पानी नहीं मिला क्या? बोले पानी मिलेगा, बोले तुम चल जाओ, बोले बड़बड़ मत करो, बोले हाँ हालांकि हमने कुछ बड़बड़ भी नहीं करे उनको पानी के वास्ते, बोले तो मिल जाएगा, बोले अभी ठेकेदार लोगों को लाते बोले हम और बाद में दुरुस्त करते, बोले वो तो ठेकेदार भी नहीं आए ना कुछ भी नहीं आए, हम 2 महीने हो गए जाके थक गए वहाँ, हाँ बोलते यार आते नहीं, अर्जी करे संजय भाऊ वो दिए अर्जी फिर भी नहीं आ रहे नल, क्या करना हमने 120 की ताकि हमको एक दिन की आड़े लगती पानी की, अब रमजान आ गया, अब रमजान में रोजे रखना क्यों करना, पानी भरना क्या करना हमने।
अच्छा आपके एरिया में आपसी नहीं है क्या? आपसी नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10 साल से हम ये मुसीबत भरते आ रहे और आप ये लोगों ने बोले क्या नल ले लो, नल ले लो, बाद में तुमको नल नहीं मिलेंगे, सड़क बन जाएंगी तो फिर तुमको ज्यादा पैसा लगेगा। तो हमने नल लिए उधार सुधार करके, किसने ब्याज से लाया कुछ करा, और अब पानी नहीं दे रहे। जा रहे वहाँ तो बोलते कॉक खराब है, कोई बोलते ठेकेदार नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, ऐसा कर करेंगे हम कमाना क्या और पानी भरना क्या करना हमने। अच्छा। मोल भी नहीं मिलता पानी है, मोल भी कहाँ मिल रहा है, मोल भी नहीं मिलता है, मोल भी नहीं मिलता है। आज बोलो तो कल आता पानी वाला, आज बोलो पानी वाले को तो कल आता पानी वाला। जब तक क्या हम इसके यहाँ से मंगते पानी लोटा लोटा पका लेते, अंगार बुझा देते पेट की, और ये धोना धाना रहे तो वैसे किटे हुए रहते, दिख रहे नहीं कि तुमको हमारे हाल। तो यहाँ के नागरिकों की ये समस्या है कि एक बात सामने आई है कि लेडीज कह रही है कि भाई हमारे अनपढ़ के कपड़े देखिए कि हमको हफ्ता हफ्ता नहाने को नहीं मिलता है, कपड़े धोने को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। इस साल में हम जी रहे हैं और नगर परिषद है कि इनके तरफ कोई क्या तवज्जो नहीं दे रही है। तो इनका कहना है कि नगर परिषद से सीओ साहब ने, राठौर साहब ने, जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, महसूल राज्य मंत्री, उन्होंने तवज्जो देना चाहिए और हमारी कोई समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि सामने हमारे रमज़ान है और इसमें पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर यहाँ पे हफ्सी होती या कुआँ होता तो सुविधा हो जाती थी, लेकिन वो भी उनको इंतजाम नहीं किया गया। D1 न्यूज से नसीब खान, दारवा। ब्यूरो रिपोर्ट, D1 न्यूज, दारवा, यवतमाल। समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क करें D1 न्यूज यवतमाल, मुख्य संपादक नसीब खान। मोबाइल नंबर है 72 76 70 70 57।